Hello guys, I'm Arrat Singh, second year MBBS student at All India Institute of Medical Science, New Delhi. Guys, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डाउट रिमूवल के बारे में बात करेंगे. काफी जेन्युइन कंसर्न होता है ये एस्पिरेंट्स का, वेदर आप बोर्ड्स के हो, जेई के हो, या फिर आप नीट के हो, आप एनटीएससी करना चाहते हो, केवीपीवाई करना चाहते हो, आप कुछ भी, आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, यार डाउट रिमूवल सबसे बड़ा कंसर्न होता है किसी भी एस्पिरेंट का. बट वेदर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप कोचिंग कर रहे हो किसी चीज. सॉरी गाइस, आज थोड़ी वो तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सरदर्द हो रहा है, फीवर भी है, जुकाम भी हो गया है. सीजनल वेरिएशन पे ऐसा हो जाता है मेरे को. फिर भी यार डिसिप्लिन की बात होती है. देखो वीडियो तो मेरे को बनाना रहता है, ठीक, तो मैं वो बना रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ. तो यार आप मेरे से नहीं सीख सकते हो यार, तो किसी भी अपने पेरेंट्स या फिर आप किसी भी बंदे से जो आपके क्लास का टॉपर होना है, उससे आप ये चीज सीख सकते हो यार. काम देखो, जब तक बहुत ग्रेव कंडीशन ना हो जाए, सीरियस कंडीशन ना हो जाए, तब तक काम नहीं रुकना चाहिए. कोई सीरियस रीजन नहीं है तो आपका काम चलना चाहिए, ठीक है. मन और मोटिवेशन के हिसाब से मत चला करो यार, डिसिप्लिन डेवलप करो, बहुत लंबा जाओगे लाइफ में, ठीक. तो यार डाउट रिमूवल पे हम लोग बात कर रहे थे. तो देखिए यार, डाउट रिमूवल में सबसे जो प्रॉब्लम आती है ना किसी भी एस्पिरेंट को, क्यों नहीं डाउट रिमूव करता, पहले उस पर बात करें. तो यार अगर आप अपने लिए ना क्लास इमेजिन करो, जैसे मैं अपनी सिचुएशन बताऊं, ठीक है, मैं एकदम वही बता रहा हूँ, आप वही इमेजिन करना. मैं जैसे पहले क्या था, 9th-10th में अगर क्लास में रहता ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी मेरे को, कि एक तो मन नहीं करता था डाउट पूछने का, ठीक, उतना सीरियस था ही नहीं मैं. 9th-10th तक मैं बहुत सीरियस नहीं था, ठीक है. मैंने 10th में एनटीएससी क्रैक किया, वो अलग बात थी, ठीक, उसके लिए मैं थोड़ा सीरियस था, पर ऐसे इन जनरल मैं सीरियस नहीं था 10th तक बहुत पढ़ाई को लेकर, ठीक है. तो मन ही नहीं करता था मेरे को डाउट पूछने का, ठीक. तो मैं इनिशिएटिव ही नहीं लेता था, हेजिटेशन तो रहती थी, इनिशिएटिव भी नहीं लेता. तो आपको भी शायद आप रिलेट कर पा रहे होगे, क्लास में बैठे बैठे आपको करने का मन ही नहीं करता यार डाउट पूछने का, लगता है कोई और पूछ लेगा, ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा. आप यही एक्सपेक्ट करते हो, आप अपनी एनर्जी नहीं डालना चाहते, आलस आ रहा होता है, बेसिकली ये कह सकते हो. एक तो ये पॉइंट था जिसकी वजह से डाउट नहीं करने का मन करता था. दूसरा, कभी अगर अंदर से चाह आ भी जाती है, जैसे आपको भी आ जाती है कि नहीं डाउट पूछना ही वाला, तो उसमें लगता था कि क्लास में डाउट पूछेंगे कहीं बेइज्जती ना हो जाए यार, ठीक है, लोग मेरे को जज करेंगे मेरे लैंग्वेज पे, मैं कैसे डाउट पूछ रहा हूँ, मतलब ना उसका फॉर्मेट क्या है, कन्वे कर पा रहा हूँ कि नहीं डाउट, कोई हंसना दे पीछे से, कोई मतलब ही कर देगा, तो यार बस उसमें तो फिर मेरे को ना बड़ा ऑकवर्ड लगता था, वियर्ड सा लगता था, तो मैं कभी पूछ ही नहीं पाता था डाउट, ठीक. 9th-10th तक यही हाल रहता था मेरा. धीरे धीरे मैं चेंज हुआ, मैंने रियलाइज की यार, मैंने भी काफी वीडियोस देखी थी उस समय, मेरे को लग रहा था कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेरे को ना मेरे को सक्सेसफुल होने से रोक रहा है, मेरे अच्छे नंबर लाने से रोक रहा है यार. क्योंकि प्रॉब्लम थी कि मैं पढ़ाई तो कर रहा था पर उतना अच्छा नंबर नहीं ला पा रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं फोकस ही नहीं कर रहा था. मैं क्या कर रहा था, चीजें याद कर ले रहा था, पढ़ ले रहा था, क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा था, पर यार वो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर ले रहे थे, मैं ये रियलाइज नहीं कर रहा था. जहां पे डाउट आ रहे थे ना, मतलब वो चीज आपके कॉन्सेप्ट के बाहर है, आपके आपके रीच के बाहर है, इसलिए आपको डाउट आ रहा है वो चीज में, ठीक है. तो वो अगर मैं अपने विद इन रीच नहीं करूंगा, तो मैं अपने टेरिटरी को कैसे एक्सपैंड करूंगा, अपने नॉलेज के टेरिटरी को कैसे एक्सपैंड करूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग टेरिटरी को कैसे एक्सपैंड करूंगा, वो नहीं हो पाएगा. तो इसलिए मेरे नंबर नहीं आते थे. आप रिलेट करो अपने लाइफ से, ठीक है, शांति से आराम से सोचो, ठीक है. तो इसलिए मैं कभी क्लास का टॉपर नहीं बन पा रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, ठीक. पर धीरे धीरे मैंने पिकअप किया ये चीज, रियलाइज की, इसलिए बाय द एंड ऑफ क्लास 10th और 11th के स्टार्टिंग तक मेरा काफी अच्छा वो हो गया था, मतलब मैं काफी ओपन अप हो गया था, ठीक. तीसरी पॉइंट जो मेरे को लगती थी ना डाउट में, जो मेरे को रोकता था, कि क्या मैं बकवास सवाल तो नहीं पूछ रहा, कोई फालतू सा बेहुदा सा सवाल तो नहीं पूछ रहा हूँ, टीचर ऑफेंड ना हो जाए इस बात पे, ये ना बोल दे यार ये तो किसी गधे को भी पता होगा, मतलब मैं खुद से इमेजिन करने लगता था कि टीचर ये बोलेगा, जबकि टीचर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखो कि हम्बल होते हैं, दे आर रेडी टू यू नो सॉल्व योर डाउट. अगर आपका कोई सिली क्वेश्चन है ना, तो वो बोल देंगे क्लास के बाद पूछना, जिसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब. और फिर मैं ये भी सोचता था, इतनी भी ईगो क्या, मतलब खुद की इतनी ईगो क्या, मतलब इतना भी क्या इज्जत बनना, मतलब इतना भी रिस्पेक्टेड पोजीशन में थोड़ी ना है कि कोई थोड़ा सा बोल दे यार क्या बकवास सवाल पूछ लिया, तो मतलब दिल पे लेके बैठ गए, इतना भी मतलब थोड़ी ना कोई महान आत्मा है कि ऐसे बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है.
फोटो वोटो पेपर में आ जाएगा कि क्या कांड कर दिया, टेलीविजन पर डिस्प्ले हो जाएगा, बेहुदा सवाल पूछता है ये इंसान, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ना ऐसे पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे ना मेरे ये जो टेंडेंसी है नहीं पूछने की, हेजिटेशन रहती थी ना, वो धीरे धीरे सबसाइड होने लग गई। ठीक है, एंड यार डाउट रिमूवल बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि यार जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आपको टेरिटरी अपनी एक्सपैंड करनी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कंसेप्ट डेवलपमेंट की, ठीक, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। और उससे भी बड़ा क्या होता है ना यार, आपको आदत पड़ती है कि आप अपने टेस्ट सीरीज जो है उसमें बेटर स्कोर कर पाओ। आप एनालिसिस करना शुरू करते हो, आपने रेट्रोस्पेक्ट करना शुरू करते हो अपने गलतियों को थ्रू एंड थ्रू। ठीक है, एंड अब बात करते हैं डाउट कैसे सॉल्व करें। ये तो आप क्या गलती करते हो मैंने बात की, वो मैं भी करता था। ठीक है, अब मैंने क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए, कैसे, मैं वो उसकी बात करता हूं। ठीक है, पहली बात सेल्फ डाउट रिमूवल। पहले मैं क्या करता था, हर चीज को टीचर के लेके पहुंच जाता था। ऐसा नहीं करना होता है, आप पहले आराम से, क्योंकि 80% ऑफ द चीजें ना सेल्फ आप रिमूव कर सकते हो उन डाउट्स को। ठीक है, आप अपने नोट्स को लेकर बैठो, अपने जो भी आपके पास जो मटेरियल है ना, स्टडी मटेरियल, वो लेके बैठो एंड उसको रेफर करो पहले अपने डाउट क्लियर करने के लिए। हो सकता है कोई पॉइंट पहले से मेंशन हो एंड आप यू नो उस पे ध्यान नहीं दिए पहले, अब ध्यान दोगे तो आपके डाउट रिमूव हो जाएंगे। ये पहला चीज कर लो। दूसरे लेवल पे आपका क्या होता है ना यार, आप अब तो आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, तो आप यूट्यूब से भी चीजें देख सकते हो। दो दिस इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब मैं कंसिडर करता हूँ। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से पूछ लो, यूट्यूब से कर सकते हो, इंटरनेट पे देख लो, गूगल इमेजेस से आप क्लियर कर सकते हो, कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। जैसे थर्मोडायनेमिक के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, एसी में, कहीं भी अगर डाउट है, ठीक है, एवोल्यूशन में, बायोलॉजी का टफ चैप्टर है डाउट है, आप वीडियो देख लो। पर उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। उसका ऑल्टरनेटिव ये रहता है ना कि कोई फ्रेंड जो आपका है, जो आपसे पढ़ाई में अच्छा हो, जो डाउट क्लियर कर सकता है, अच्छे से समझा सकता है, या फिर आपके टॉपर से ना बनती है अपने क्लास के, तो आप उनसे बात करो, वो आपका डाउट रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो यार, तो आपका फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है आप टीचर के पास जाओ। ठीक है, आपके प्राइवेट टीचर हो गए, या फिर आपके ऑनलाइन टीचर हो गए, या फिर आपके कोचिंग के टीचर हो गए। अब देखो यार, सबके पास आई बिलीव एक्सेस नहीं होता है टीचर्स के लिए। ठीक है, स्पेशली आपका कोचिंग आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप नहीं जा रहे हो, टीचर आपका डाउट नहीं सॉल्व करेगा वो। ठीक है, ट्यूशन सब लोग नहीं ले सकते, सब लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे होते। तो सेल्फ स्टडी में क्या होता है ना यार, आप कोई ना कोई आपको क्या है ना यार, थोड़ा सा मॉम डैड से बात करके, अगर आपके पास कोई सीनियर है ना जो आपको डाउट क्लियर कर सकता है, आपका फ्रेंड है, तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई मतलब आपको पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं। पर अगर आपके पास कोई डाउट रिमूवल सिस्टम नहीं है, तो आप कोई इनएक्सपेंसिव डाउट रिमूवल सिस्टम ना आप नेट पे ढूंढने की कोशिश करो, जहां पे आपको टीचर्स मिल जाए आपके डाउट रिमूव करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम कोर्स। तो यार ऐसे ही है आपका ये हेलो बच्चों ऐप, मैं पहले से भी प्रमोट करता आया हूं, क्योंकि यार अपने प्राइस पॉइंट पे ना, ये सबसे इनएक्सपेंसिव प्राइस पॉइंट पे ये बहुत अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, और आपको 24/7 डाउट रिमूवल यू नो फैसिलिटी मिल रही है। तो आपको यार जैसे क्लास में हेजिटेशन होते हैं ना, और मन नहीं करता पूछने का, और आपको ये रहता है कि क्या कोई लोग बेइज्जती कर देंगे, यहाँ पे अननोन लोग हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, आपको 24/7 डाउट रिमूवल सिस्टम मिलेगा। आपको कोर्स के साथ मिशन 2020 फिजिक्स के कोर्स ले लो, डाउट रिमूवल सिस्टम आपको मिल जाएगा। फिजिक्स के जितने डाउट्स आप टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दो, उस पर फैकल्टी मेंबर्स एडेड, वो आपको ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में आपको विद इन फ्यू आवर्स आपको क्या रिप्लाई कर देंगे कि क्या क्या डाउट था, आपको कहाँ कंसेप्चुअली आप गलत कर रहे थे चीजें, एंड आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। आप प्रोमो कोड आर्यन राज यूज कर सकते हो, आपको मालूम है 20% के लिए, आप डाउनलोड कर रखे हो गए, आप चाहो तो आप ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, अप टू यू। एंड बस मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यू नो 40,000-50,000 कोर्सेज, जो आपके रुपीज के जो कोर्सेज हैं, आपके ऐसे इनएक्सपेंसिव कोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपको ना 7,000-8,000 में पूरा फिजिक्स का कोर्स दे देंगे, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की आपको फ्री मिल जाएगी, डाउट प्लेटफॉर्म भी मिल जा रहा है। तो आप डेफिनेटली इसके लिए एनरोल कर सकते हो यार। एंड गाइज ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग। आज थोड़ी एनर्जी कम है, फिर भी वीडियो बनाना जरूरी था तो मैंने बना दिया। ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग, एंड यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वी आर गोइंग टू रीच 100,000 सब्सक्राइबर्स, एंड थैंक यू सो मच यार।